विदेश विदेश है। लेकिन एक बात बोलें, देहाभिमान बचने का उपाय, काम कुछ तू ऐसा कर जा, देहाभिमान से बचने का उपाय, काम तू कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने अभिमान को मार दे, अपने ईगो को मार दे। धन्य है तू कि तुझे भारत भूमि मिली। अगर आज तुम चाइना में पैदा हुए होते तो चिंग चौंग चाइंग चौंग कर रहे होते, क्या कथा सुन रहे होते? बोलो, क्या कथा सुन रहे होते? चाइना में भाई होते चिंग चौंग चाइंग चौंग चम चा, हल्की हल्की आंखें घूम रहे होते, इतनी इतनी सी आंखें, चाइंग चौंग चम चा। अच्छा मान लो वेस्ट इंडीज में भाई होते, ब्लैक, बड़े भाग्य की बात। आपको कौन सा देश मिला? गर्व से कहो हम। अच्छा देखो, पहला सौभाग्य भारत देश, दूसरा सुनना कितने धर्म नहीं है, उन धर्मों में तुम्हें कौन से धर्म में जन्म मिला? सनातन धर्म में। किसी और में धर्म में अगर जन्म मिला होता तो सब धर्मों के लिए तो एक ही एक किताब है, सबको एक ही एक किताब है, पर तुम्हें सनातन में धर्म जन्म मिला, गौरव की बात है। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं तो क्या है? ये दूसरे गर्भ की बात। तीसरा गर्भ सुनना, तीसरा सौभाग्य यह है, 84 लाख योनियां होती हैं, कुत्ता बने होते तो भौंक रहे होते कि नहीं? बोलो। अच्छा भैंसिया बने होते, बंदे होते कौन, हाउजी या नाजी? बोलो। भगवान ने कहा बनाओ, क्या बनाया? इंसान। इंसान किस लिए बनाया? पकौड़ी खावे, चाट खावे। अच्छा पनीर तानवे बनाओगा? अरे भैया भगवान ने इंसान तुम्हें चाट पकौड़ी खावे नहीं बनाओ, भगवान ने इंसान इसलिए बनाया कि तुम कथा कहो, सुनो, गाओ और भगवान को रिझाओ। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ कौमार आचरेत प्राज्ञो, धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदपुरुषम। दुर्लभ है मानुष का तन। बड़े भाग मानस तनु पावा, मनुष्य का तन पा करके संतों का संग नहीं किया, या भक्तमाल की कथा नहीं सुनी, या मानव होकर के मानव के काम नहीं आए, तो तुम्हारा मनुष्य होना बेकार है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो भैया। अब तुम कहो महाराज हम टीवी पे तो बहुत कथा सुन लेते। अरे टीवी पे कथा सुनोगे तो क्या इतना आनंद आएगा? अच्छा टीवी पे भजन चलेगा तो क्या तुम ठुमका लगाते हो घर में? टीवी पे होते भजन चल रहा ना है, तुम चाय की चुस्की ले रहे, ताक सक्कर ले आइयो। आओ होते कथा चल रही कि दशरथ जी शरीर त्याग रहे, राम राम कह राम कई राम राम कई राम, तब तक तुम कह रहे बिस्कुट नहीं दइया। होते दशरथ जी प्राण त्याग रहे, तुम्हें बिस्कुट पुसा रहे न कथा है। लेकिन ठीक है, सदुपयोग करना चाहिए, टीवी का भी सदुपयोग होना चाहिए, मोबाइल का भी सदुपयोग, लेकिन हम यही कहेंगे मौका कभी मिला करे तो कथा में आकर बैठ जा।